अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7A। ये है जो मैथमेटिक्स बुक 2 D2 सेवन्थ एडिशन जो न्यू एडिशन है उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसके पहले की जो क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मेरा सेकेंड चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमारे पास है जी गिवन द फंक्शंस। हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, एक तो ये फंक्शन है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4x प्लस 1/2, और जो सेकंड फंक्शन है हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 माइनस 2/3x। उसके बाद करना कि हमने इवेलुएट करना है एफ ऑफ 2, एफ ऑफ माइनस 1/2, जी ऑफ 3 एंड जी ऑफ माइनस 6। ये हमने पहले इवेलुएट करना है, उसके बाद जो है इसका हमारे पास टोटल हैं जी 6 पार्ट्स हैं, तो वो साथ साथ जो है मैं वो पढ़ती जाऊंगी और सॉल्व करती जाऊंगी। पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं एफ ऑफ 2, एफ ऑफ माइनस 1/2, जी ऑफ 3 एंड जी ऑफ माइनस 6। तो स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सॉल्यूशन। तो ये लिख लिया मैंने सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमारे पास हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। तो पहले फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स है 3/4x प्लस 1/2, तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 मेरे पास हो जाएगा जी 3/4x की जगह लिख देंगे 2 प्लस 1/2। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी कि 3/2 प्लस 1/2 डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 2, न्यूमरेटर में आ गया 3 प्लस 1, यानी कि 4/2, 2 2s are 4, यानी कि आ गया 2। तो एफ ऑफ 2 क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब हम कर लेते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर लेते हैं, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है अब एफ ऑफ माइनस 1/2। तो इधर नीचे ही फाइंड आउट कर लेते हैं एफ ऑफ माइनस 1/2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। अब 3/4x की जगह लिख देते हैं माइनस 1/2, 3/4 × -1/2 + 1/2, प्लस माइनस माइनस 3/4 × 2 = 8 प्लस 1/2। इसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3/8 प्लस 4 × 1 = 4 डिवाइडेड बाय ये मेरे पास आ जाएगा जी 8। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 8 और न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस 3 + 4, तो 4 − 3 क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1/8 आ गया हमारे पास उसका आंसर, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ माइनस 1/2 किसके इक्वल आया है, 1/8 के इक्वल। अब हम नेक्स्ट इसका कर लेते हैं जो हमने फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास के जी ऑफ 3। तो पहले हम लिख लेते हैं जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारे पास 1/4 − 2/3x। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं, हमने फाइंड आउट क्या करना है जी ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं 4 1s are 4 + 1 = 5/4 − 2/3, और x की जगह लिख लेते हैं 3, ये दोनों की कटिंग होगी 5/4, डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे भी हमें 4 ही बनाना पड़ेगा, तो 2 है, इसके नीचे अभी कटिंग हो गया कुछ भी नहीं बचा यानी कि 1 बच गया, तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5/4 − 4 2s are 8 डिवाइडेड बाय 4, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 − 8, तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 गए कितने बचते हैं 3, 3/4 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है जैसे माइनस, तो जी ऑफ 3 क्या आ गया हमारे पास −3/4। अब इसका नेक्स्ट है जी हमारे पास जी ऑफ -6, तो फाइंड आउट कर लेते हैं जी ऑफ -6। तो हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ -6 इज इक्वल्स टू, मैं इसको 5/4 ही लिख रही हूँ, ठीक है, 1/4 का डायरेक्ट 5/4 −2/3 × −6, तो 3 2s are 6 हमारे पास हो जाएगा 5/4 माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, इसको ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 5/4 + 4 4s are हमारे पास क्या हो जाएगा 16 16/4। अब डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 4, न्यूमरेटर में 5 + 16, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 21/4, इसको साइड पे हम डिवाइड कर लेते हैं
तुम्हारे पास होता है जी 4 5 20 पीछे बचा 1, यानी कि जी ऑफ माइनस 6 हमारे पास क्या आएगा, मैं इधर साइड पे लिख देती हूँ कि हमारे पास आएगा जी 5 होल 1/4। ठीक है जी, तो जी ऑफ माइनस 6 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे इसका ये हमारे पास सारे ये वाले पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं जी इसका जो हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट, जिसमें हमने करना क्या है कि फाइंड आउट करना है फर्स्ट वाला पार्ट है, इज इट ट्रू दैट एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस 3। इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबसे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट इसमें करना क्या है, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस 3। तो एफ ऑफ 2 तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था अभी, एफ ऑफ 2 किसके इक्वल आया था, 2 के इक्वल आया था। फाइंड आउट क्या करना है हमने, एफ ऑफ 3 को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो सबसे पहले फंक्शन के एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है जी हमारे पास इक्वल 3/4x + 1/2। तो इसमें एफ ऑफ 3 फाइंड आउट कर लेते हैं, एफ ऑफ 2 अभी हमने पहले फाइंड आउट किया था। तो एफ ऑफ 3 हमारे पास आ जाएगा 3/4 × 3 + 1/2। तो 3 3 क्या हो जाएगा 9/4, और इधर डिनोमिनेटर इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, तो इसको ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 1 2 डिवाइडेड बाय 2 2 4, तो नीचे आ गया 4 ऊपर 9 10 11। ठीक है, या डायरेक्ट नहीं कहते, स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं, तो 11/4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ 3। अब वो क्या कह रहे हैं, हमने करना क्या है कि एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 क्या इक्वल है एफ ऑफ 2 प्लस 3 के। तो पहले हम इसकी कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ 2 हमने फाइंड आउट किया था वो किसके इक्वल था, 2 के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देती हूँ 2 प्लस एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है हमारे पास 11/4। डिनोमिनेटर सेम करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 2 8/4 + 11/4। डिनोमिनेटर में आ गया 4, ऊपर आ जाएगा 8 + 11 यानी कि 19/4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 19/4। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ इसको एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, मिक्स नंबर में मैं इसको अभी नहीं लिखती, क्योंकि फिर हमने देखना है कि कौन सा बीच में से जो है ना ये क्या इक्वल आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं, वो हमने देखना है। अच्छा, अब इसका क्या था, राइट हैंड साइड क्या थी, एफ ऑफ 2 प्लस 3। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा अब लेफ्ट हैंड साइड होगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है एफ ऑफ 2 प्लस 3। तो एफ ऑफ 2 प्लस 3 क्या होता है हमारे पास एफ ऑफ 5। तो सबसे पहले अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एफ ऑफ 5 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारे पास 3/4x + 1/2। तो एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हमने क्या कर लेना है 5 को लिख लेना है + 1/2। डिनोमिनेटर सेम यहीं पर कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 15/4 + 2 1 2/2 2 4। डिनोमिनेटर में आ गया 4, ऊपर आ गया 15 + 2 यानी कि ये क्या आ गया 15 + 2 17/4। अब आप देखें, एक हमारे पास फ्रैक्शन आई है 19/4, दूसरी आई है 17/4, तो ये आपस में इक्वल तो नहीं होती। तो इस वजह से हम लिख देते हैं कि एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 प्लस 3। तो हमारे पास आंसर क्या है, द आंसर इज नो। ठीक है, कि ये आपस में इक्वल नहीं है। तो क्योंकि देखें ना, ये बड़ी है 19/4 ये वाली फ्रैक्शन और ये छोटी है, इस वजह से आंसर हमारे पास नो है कि ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्व हो गया, कंप्लीट सॉल्व हो गया इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो। अब हम चलते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है सेकेंड पार्ट, उसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट शीट ले लेते हैं और उस पर हम कर लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो इसमें हमारे पास है सेकेंड पार्ट में है कि इज़ इट ट्रू दैट जी ऑफ 4 माइनस जी ऑफ 2 इज इक्वल टू जी ऑफ 4 माइनस 2। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको कि आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन सेकेंड पार्ट, सोल्यूशन सेकेंड पार्ट। ठीक है जी, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले जी ऑफ 4 और जी ऑफ 2 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सबसे पहले फंक्शन क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स है हमारे पास 1 होल 1/4 - 2/3 एक्स।
तो फाइंड आउट क्या करना है, पहले जी ऑफ फोर, तो जी ऑफ फोर इज इक्वल्स टू फोर वन ज़ फोर प्लस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास फाइव हो जाएगा, तो फाइव बाय फोर माइनस टू बाय थ्री और एक्स की जगह फोर, तो ये हो जाएगा फाइव बाय फोर, फोर टू ज़ा एट, एट बाय हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो फोर के टेबल में भी आता है थ्री के टेबल में भी आता है, तो वो है जी हमारे पास जो है ट्वेल्व है, तो इसको ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे ट्वेल्व बना देंगे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ फोर से ऊपर नीचे और इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ थ्री से, ठीक है। तो अभी हमारे पास हो जाएगा फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन बाय फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व माइनस एट फोर ज़ा हमारे पास होते जी थर्टी टू, थर्टी टू बाय ट्वेल्व हो गया हमारे पास, ठीक है जी। तो 15 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 12, तो प्लस माइनस माइनस 32 में से 15 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 माइनस 17 बाय 12, ये हो गया हमारे पास जी ऑफ 4। अब क्या फाइंड आउट करना है हमने जी ऑफ 2, तो जी ऑफ एक्स है जी हमारे पास के 5 बाय 4 माइनस 2 बाय 3 एक्स, ये मैंने 5 वन होल 1 बाय 4 है ना, तो इसको मैंने लिख दिया 5 बाय 4 लिख। अब फाइंड आउट कर लेते हैं हम जी ऑफ टू, तो जी ऑफ टू हमारे पास आ जाएगा फाइव बाय फोर माइनस टू इंटू टू डिवाइडेड बाय थ्री, तो फाइव बाय फोर माइनस फोर बाय थ्री आ गया हमारे पास, ठीक है ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, तो फाइव बाय फोर मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि देखिए फोर और थ्री दोबारा आ गया डिनोमिनेटर में, हमें क्या बनाना है ट्वेल्व बनाना है, फोर बाय थ्री तो ऊपर नीचे इसको फोर से, तो फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन बाय ट्वेल्व माइनस फोर फोर ज़ा सिक्सटीन बाय ट्वेल्व, तो फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वन बाय ट्वेल्व, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जी ऑफ टू, सही है। तो जी ऑफ फोर भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारे पास आया है माइनस सेवनटीन बाय ट्वेल्व, और जी ऑफ टू भी फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारे पास आया है माइनस वन बाय ट्वेल्व। तो अब क्या हम करते हैं नेक्स्ट शीट लेते हैं जिस पे हम जो है ना इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने करना क्या था, ये वैल्यूज तो हमने इनकी फाइंड आउट कर ली, अब क्या करना है जी ऑफ फोर माइनस जी ऑफ हमने क्या करना है टू करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जी ऑफ फोर माइनस जी ऑफ टू इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी जी ऑफ फोर आया था हमारे पास माइनस सेवनटीन बाय ट्वेल्व माइनस जी ऑफ टू क्या आया है माइनस वन बाय ट्वेल्व, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस सेवनटीन बाय ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस वन बाय ट्वेल्व, डिनोमिनेटर में आ गया ट्वेल्व, न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस सेवनटीन प्लस वन प्लस माइनस माइनस, तो माइनस सिक्सटीन बाय ट्वेल्व आ गया हमारे पास, ये आ गया जी ऑफ फोर माइनस जी ऑफ, ठीक है जी ये आ गया 16 बाय 12। अब हम क्या कर लेते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं इसका जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है जी ऑफ 4 माइनस 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब क्या कर लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी ऑफ हमारे पास है जी ऑफ 4 माइनस 2, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ जी ऑफ फोर माइनस टू हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर माइनस टू क्या होता है टू, तो जी ऑफ टू जो है वो हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ था और वो हमारे पास क्या आया था माइनस वन बाय ट्वेल्व, तो माइनस वन बाय ट्वेल्व, तो ये आ गया हमारे पास जी ऑफ टू जी ऑफ फोर माइनस टू, ठीक है जी। तो अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है बिल्कुल डिफरेंट आंसर है इन दोनों का, यानी कि एक आया माइनस सिक्सटीन बाय ट्वेल्व और एक हमारे पास आया है माइनस वन बाय ट्वेल्व, तो ये आपस में इक्वल तो नहीं है, इस वजह से हम लिखेंगे कि हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यानी कि जी ऑफ फोर माइनस जी ऑफ टू इज़ नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ फोर माइनस टू, तो हमारे पास ने लिखा था कि क्या ये आपस में इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे द आंसर इज़ नो, यानी कि आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है जी। तो ये भी हो गया हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट भी हो गया, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट जिसमें हमारे पास है कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या जी ऑफ एक्स के इक्वल है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन,
हमारे पास है जी थर्ड पार्ट का, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स हमने रखना है और इनको आपस में इक्वल रख के हमने करना क्या है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है जी हमारे पास 3/4x प्लस 1/2, ये क्वेश्चन से देख के मैं लिख रही हूँ कि एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स है हमारे पास 1 होल 1/4 माइनस 2/3x। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इजी से क्वेश्चन है, बस हमने इक्वल रख के और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 3/4x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4 1 4 प्लस 1 5/4 माइनस 2/3x। अब x वाली वैल्यूज को हम अलहदा कर लेते हैं, यानी कि 2/3x को इधर ले आते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड पे प्लस कर देंगे, 2/3x यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और इधर आ जाएगा 3/4x प्लस 1/2 प्लस 2/3x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 2/3x प्लस 2/3x। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे प्लस 1/2 है, बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे, माइनस 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2/3x, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस 1/2। जिस तरह ये मैंने किया था ना, बोथ साइड पे प्लस किया तो 2/3, इसी तरह आप यहाँ पे इस स्टेप को बीच में बेशक कर लेना, बोथ साइड पे माइनस 1/2 कर देना, यहाँ से कटिंग हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा ये हो गया हमारे पास। अब हमने करना क्या, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 4 3 12 होते हैं, तो इसको ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी डिनोमिनेटर हमने क्या करना है, सेम करना है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको भी ऊपर नीचे जो है ना हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 2 से, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 9 9/12x प्लस 4 2 8/12x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/4 माइनस 2 1 2 / 4, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको लिख लेते हैं कि नीचे लिख लेते हैं 12, ऊपर आ जाएगा 9x प्लस 8x इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में 4, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 2। तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो 9 प्लस 8 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17x डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया जी 12 आ गया, और दूसरी साइड पे जब हम करेंगे इसको माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम किस तरह कर सकते हैं, हम इसको जो है ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि हम इजीली जो है ना इसको फाइंड आउट कर सकें। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। मेरे पास आ जाएगा 17x मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 7 4 हमारे पास हो जाएगा जी 28, 2 कैरी, 4 1 4 5 6 68 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा जी यहाँ पे 2 3 6 एंड 3 1 3, यहाँ पे साथ में आ जाएगा एक्स। अभी जो साइड पे हम इसको कर लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए हमें एक्स कॉन्सेप्ट चाहिए, साथ में 68 नहीं चाहिए, तो बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे, 68 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 68 से मैंने बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 36/68। अब हमने देखना है ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, तो ये दोनों हमारे पास आते हैं जी 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 9 36 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, एंड 4 7 हमारे पास होता है 28। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 9/17, ठीक है। और यही हमने फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे जो इसका 3 पार्ट है वो हमारे पास कम्प्लीट सॉल्व। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को हम देख लेते हैं क्या हमारे पास इधर लिखा हुआ है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 2a एंड एफ ऑफ 3a। तो स्टार्ट करते हैं इनको फाइंड आउट करना हम, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। सबसे पहले हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ 2a फाइंड आउट करना है, तो पहले एफ का फंक्शन लिख देते हैं। सोल्यूशन है जी हमारे पास ये फोर्थ पार्ट का, तो एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, जो फंक्शन है वो लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास 3/4x प्लस 1/2, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इज इक्वल्स टू 3/4x प्लस 1/2। पहले क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू ए प्लस 1/2,
ठीक है जी। अब इसको फर्दर हम और तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपस में ऐड तो ये हो नहीं सकते, जैसे डिनोमिनेटर सेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको बस हम इसी तरह लिख देंगे कि 3/4 a + 1/2, ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ ए का आंसर। ठीक है जी, एफ ऑफ ए हो गया हमारे पास। अब क्या फाइंड आउट करना है हमने, एफ ऑफ टू ए। तो स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना एफ ऑफ टू ए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एफ ऑफ टू ए इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/4 × 2a + 1/2। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यानी कि 3/2a + 1/2। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हो रही है, इम्प्रॉपर हो रही है फ्रैक्शन, तो हम डिवाइड कर लेते हैं साइड पे, तो 2 × 1 = 2 पीछे बचा 1, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1/2a + 1/2। ये हमारे पास आंसर आ गया है एफ ऑफ टू ए का। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं इसका जो हमारे पास है थर्ड है जी ऑफ 3a, तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फंक्शन लिख लेती हूँ जी वाला, वो हमारे पास है जी जी ऑफ एक्स है जी हमारे पास 1/4 − 2/3x। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है जी ऑफ 3a, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 1/4 − 2/3 × 3a। ये कटिंग होगी हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1/4 − 2a। ठीक है, इससे आगे फर्दर तो ये सॉल्व हो नहीं सकता, आपस में ये ऐड हो नहीं सकते, तो इसकी जो है डिनोमिनेटर सेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास जी ऑफ 3a। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास, यानी कि इसका जो 4 पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें फर्स्ट का आया 3/4a + 1/2, एफ ऑफ 2a का 1/2a + 1/2, एंड जी ऑफ 3a आया हमारे पास 1/4 − 2a। ये सॉल्व हो गया हमारे पास इसका 4th पार्ट भी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका 5th पार्ट। तो नेक्स्ट शीट ले लेते हैं और उस पर हम कर लेते हैं इसका 5th पार्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने करना क्या है 5th पार्ट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच एफ ऑफ ए प्लस वन प्लस जी ऑफ ए इज इक्वल टू 5। यानी कि इधर हमने करना क्या है, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सॉल्यूशन हमारे पास है जी 5th पार्ट का। क्वेश्चन क्या है जी, एफ ऑफ ए प्लस वन प्लस जी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस वन को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर जी ऑफ ए को फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 3/4x + 1/2। तो एफ ऑफ ए प्लस वन हमारे पास हो जाएगा 3/4 × a + 1 + 1/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4a + 3/4 + 1/2। तो इसको ओपन नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4a + 3/4 + 2/4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4a + यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया, और 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आ गया आंसर एफ ऑफ ए प्लस वन का। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी ऑफ ए, फिर उसको फाइंड आउट करके इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले जी ऑफ एक्स फंक्शन तो लिख लेते हैं ना। तो फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स है 1/4 − 2/3x। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है जी ऑफ ए, तो जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 × 4 + 1 = 5/4 − 2/3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका डिनोमिनेटर सेम करने का कोई फ़ायदा तो नहीं, आपस में ऐड तो इन्हें होना नहीं है, इस वजह से अब हम क्या कर देते हैं इसको डायरेक्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके बीच में हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं शीट ले लेती हूँ और इसमें हम वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। फ्रैक्शन यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ क्वेश्चन एफ ऑफ ए प्लस वन प्लस जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5। तो इसको लिख लेते हैं वैल्यू, एफ ऑफ ए प्लस वन क्या आया था हमारे पास 3/4a + 5/4 + जी ऑफ ए अभी हमने फाइंड आउट किया और वो हमारे पास आया है, यहाँ पे मैं बॉक्स में बना देती हूँ, वो हमारे पास आया जी 5/4 − 2/3a = 5। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं जी, ए वाली वैल्यूज को अलहदा कर लेते हैं,
और बाकी को हम अलहदा कर लेते हैं, बल्कि इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4 a, और a वाली वैल्यू को मैं अलहदा लिख देती हूँ, 2/3 a प्लस, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे लिख देती हूँ 4, ऊपर 5 + 5 = 5। तो ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास है जी 4 है और यहाँ पे 3 है, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे 4, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 3 × 3 = 9, 9 a / 12 हमारे पास आ जाएगा, और इस साइड पे भी हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 2 = 8/12 और साथ में 8 + 5 + 5 = 10/4 = 5। अब हम इसको इधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, और इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 12, 9 a - 8 a = 5 - 10/4। अब इधर भी डिनोमिनेटर सेम करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, इसको ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई, 9 a - 8 a क्या हो जाएगा, a / 12 = हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 20 / 4 - 10/4। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको जो है यहाँ पे आ जाएगा a / 12 = 20 - 10, हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10/4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे फर्दर वैसे कटिंग हो रही है, कटिंग कर लेंगे या सिंपल अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4a = ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4a = 12 × 10 क्या आ जाएगा, 120। ठीक है जी, 120 आ गया, हमें a का आंसर चाहिए, साथ में 4 नहीं चाहिए, बोथ साइड पे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 और 4 कैंसिल आउट, a = हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4 × 3 = 12 होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो 4 × 3 = 12 और साथ में ये 0, तो a का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 30। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका कंप्लीट सॉल्व हो गया, जो फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास a का आंसर हमने फाइंड आउट करना था, और ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, और जिसमें पहले f(a+1) फाइंड आउट किया, फिर g(a) फाइंड आउट किया, फिर इसको इस जो इक्वेशन है इसमें सब्सिट्यूट किया, और फिर इस तरह करके ये हमारे पास उसका आंसर आ गया, और ये क्या है हमारे पास, 30। ठीक है, तो एक आंसर आ गया हमारे पास 30। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका सिक्स पार्ट, और वो है जी हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच f(2a) हमारे पास किसके इक्वल कह रहे हैं, f(2a = g(6a). तो f(2a) जो है वो हमने अभी कहीं पर फाइंड आउट किया था, तो वहाँ से हम देख लेते हैं f(2a), और उसको यूज़ करके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो है फाइंड आउट कर लेंगे हम, हमने यहाँ पे सिर्फ g(6a) फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने फाइंड आउट किया हुआ था, f(2a) हमारे पास किसके इक्वल आया था, 1/2a + 1/2k। तो ये इसकी यहाँ से यूज़ कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं हम सिक्स पार्ट का, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सॉल्यूशन सिक्स पार्ट। ठीक है, हमारे पास क्या है कि f(2a = g(6a). तो सबसे पहले हमारे पास क्या f(2a) तो फाइंड आउट किया हुआ है, g(6a) फाइंड आउट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, g(x) इसके इक्वल है, g(x) हमारे पास इक्वल है 1/4 - 2/3x। तो g(x) = हमारे पास आ जाएगा 4 × 4 + 1 = 5/4 - 2/3x। अब इसके बीच में हमने फाइंड आउट क्या करना है, g(6a), यानी कि x की जगह क्या लिखना है हमने, 6a। तो g(6a) हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम x की जगह लिख देते हैं 6, तो 5/4 - 2/3 × 6a, ये कटिंग होगी हमारे पास, तो 3 × 2 = 6, तो ये आ जाएगा 5/4 - 2a है, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, -4a। ठीक है, ये आके हमारे पास 5/4 - 4a। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इनकी वैल्यूज को। तो हमने करना क्या है जी, यहाँ पे f(2a = हमने करना है g(6a), ये करके हमने फाइंड क्या करना है, a को फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू को। तो अब बस इसके बीच में सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम। तो क्या था जी हमारे पास f(2a) जो है पहले फाइंड आउट कर चुकी हूँ, वो था 1/2a। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 1/2a
प्लस हमारे पास क्या है, ये देख लीजिए, लिख लो 1 होल 1/2 a + 1/2 इज इक्वल्स टू जी ऑफ 6 a क्या आया 5/4 - 4 a। ठीक है, ये अगर आप कांस्टेंट को लहदा कर लेते हैं, वेरिएबल्स को लहदा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 + 2 + 1 3/2 a प्लस हो जाएगा जी 1/2 इज इक्वल टू 5/4 - 4 a। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं, ए वाली वैल्यूज को अलहदा कर लेते हैं और दूसरी वैल्यूज को अलहदा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2 a माइनस है, तो इधर आ क्या हो जाएगा प्लस 4 a इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि 5/4 है, तो ये हो जाएगा इधर आके माइनस 1/2। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो हम सेम कर लेते हैं, तो इसको ऊपर नीचे मैं क्या कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे मल्टीप्लाई बाय, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 है डिनोमिनेटर, हमने 4 बनाना है, इसको भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 a / 2 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 4 2 8 a / 2 इज इक्वल टू 5/4 2 1 2/4। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 a + 8 a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 5 - 2। ये हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट शीट ले लेते हैं और उस पर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 + 8 a, तो ये आ जाएगा 8 9 10 11 a, तो 11 a / 2 इज इक्वल्स टू 5 - 2 क्या हो जाएगा 3/4। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 × 11 a इज इक्वल्स टू 3 × 2, तो ये आ जाएगा 44 a इज इक्वल्स टू 3 × 2 = 6 आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें एक आंसर चाहिए, साथ में 44 नहीं चाहिए, बहुत सारे 44 से डिवाइड कर देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट, a इज इक्वल्स टू अब 6/44 है, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो 2 3 = 6 and 2 22 = 44, यानी कि 3/22 आ गया हमारे पास ए का आंसर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका लास्ट पार्ट, यानी कि 6th पार्ट। तो ये थी जी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, और जो मेरा सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है उसको भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जो है अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।